आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत रत्न सीरीज चल रही है और इस सीरीज को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न M.S. सुब्बालक्ष्मी, मदुरई षणमुख डिबू। सुब्बालक्ष्मी ये नाम बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है? तो फिलहाल मैं M.S. ही यूज करूंगा, ठीक है ना, M.S. सुब्बालक्ष्मी। तो आज हम इनकी बायोग्राफी का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर, इन सबकी बायोग्राफी रिव्यू की है। तो यहाँ पे जिन कलाकारों को भारत रत्न मिला है, हम उनकी बायोग्राफी अब रिव्यू करेंगे। और यह भारत रत्न की सीरीज है, आपको पता ही है, इसको जारी रखते हुए अगली कड़ी में है M.S. सुब्बालक्ष्मी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही डीपी लगी हुई है, सर्च करने में आसानी होती है। तो आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। घर बैठ के आराम से अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, पढ़ाई करिए। हाल ही में हमने UGC नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, काफी हेल्प करेगा आपकी। एक और चीज बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, तो जो जो फैकल्टीज के लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगी। हालांकि मैं शेयर करता रहता हूँ मैं जो लेक्चर कवर करता हूँ तो उसकी पीडीएफ मैं अपने प्रोफाइल पे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन अगर आपको सारी फैकल्टीज के पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, आपको यहाँ पे हिंदी में भी पीडीएफ मिलेंगी और इंग्लिश में भी पीडीएफ मिलेंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भारत रत्न अवॉर्डीज है, ये लिस्ट मैं बार बार दोहरा चुका हूँ। जिन्होंने जिन्होंने ये लिस्ट देख ली है वो इसको स्किप कर दें, इस सेक्शन को स्किप कर दें। जिन्होंने जिन्होंने नहीं देखी है वो दोबारा सुन लें। मैं बताना चाहता हूँ कि किन की किन किन की मैं बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2019 में जिनको नोबेल भारत रत्न मिला उनकी बायोग्राफी हम कवर कर चुके हैं। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, इनकी बायोग्राफी कवर्ड है। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी कवर्ड है। पंडित मदन मोहन मालवीय, सचिन तेंदुलकर और CNRAO की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। इन तीनों की बायोग्राफी मैं अगले हफ्ते कवर कर दूंगा। पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की बायोग्राफी कवर हो गई है। लता मंगेशकर, जिनकी आइडल सुब्बा लक्ष्मी थी, एम एस सुब्बा लक्ष्मी से इंस्पायर्ड थी लता मंगेशकर, इनकी बायोग्राफी नहीं कवर्ड है, बहुत ही जल्द कवर कर दूंगा। ये सुर की लक्ष्मी बोला जाता है लता मंगेशकर, और शायद भारत में जो सबसे बड़ी संगीतकार हुई है वो लता मंगेशकर ही हुई है, ये सबको पता है। बहुत सारे संगीतज्ञ हैं लेकिन लता मंगेशकर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। बहुत लोगों ने M.S. सुब्बालक्ष्मी का नाम नहीं सुना होगा, पंडित भीमसेन जोशी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन लता मंगेशकर का जो नाम है वो घर घर में हर किसी को पता है। तो इनकी भी बायोग्राफी रिव्यू करेंगे, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। इनका भी जीवन बहुत ही मुश्किल वाला था, बचपन में ही पिताजी की डेथ हो गई थी तो इतना आसान नहीं था। भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी छोटी सी लता मंगेशकर के ऊपर आ गई थी, हम वो देखेंगे जब इनकी बायोग्राफी रिव्यू करेंगे। उसके बाद पंडित रविशंकर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू कर दी है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली की बायोग्राफी नहीं की है, बहुत जल्द कर दूंगा। अमर्त सेन और जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है, अगले हफ्ते कवर हो जाएगी। M.S. सुब्बालक्ष्मी की बायोग्राफी हम देख ही रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम, अदना असफ अली और गुलजारी लाल नंदा, इन तीनों की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। 1992 में जिनको भारत रत्न मिला उनकी बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। सत्यजीत रे, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर, सत्यजीत रे प्राइड ऑफ इंडिया, इनकी बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। GRD टाटा की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। इन सब की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है, M.G. रामचंद्रन और खान अब्दुल गफार खान को छोड़ के, बाकी सबकी बायोग्राफी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। इन सबकी बायोग्राफी कवर की हुई है, जितनी भी पर्सनैलिटीज आपको दिख रही है इन सबकी भी बायोग्राफी कवर की हुई है, जितनी पर्सनैलिटीज आपको दिख रही है। 1962, 61, 58, 57 में जिनको भारत रत्न मिला और 1955, 54 में जिनको भारत रत्न मिला, सबकी बायोग्राफी का वर्ड है। तो यहाँ पे आपके पास खजाना है, जाइए सुनिए और एंजॉय करिए और नॉलेज लीजिए। तो अगर M.S. सुब्बालक्ष्मी की बात करें दोस्तों, तो बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी, इंडियन क्लासिकल सिंगर थी, इंडियन कार्नेटिक सिंगर थी। कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ इंडिया का म्यूजिक है, ठीक है ना, साउथ इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है, तो ये इन्होंने सीखा। इनकी भी कहानी बड़ी ही दिलचस्प रही है दोस्तों, कलाकारों की कहानी वैसे दिलचस्प होती है। हमने पंडित भीमसेन जोशी का देखा था ना कि वो बचपन में ही घर से भाग गए थे
और पूरा नॉर्थ इंडिया घूमे थे। सेम चीज सुबालक्ष्मी के साथ भी हुई थी, शादी से बचने के लिए ये घर से भाग गई थी। तो 16 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था और 11 दिसंबर 2004 में इनका देहांत हुआ था। और ये पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला, हालांकि इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोला जाता है, वो भी इनको 1974 में मिला, 1974 में मिला। तो इनका जन्म 16 सितंबर 1916 में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी, आपको पता ही है ना दोस्तों, तीन प्रेसिडेंसी थी, रेसिडेंसी, ठीक है, रेसिडेंसी आगे पी लगा दीजिए बन जाता है प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। तो ये रेसिडेंसीज थी जो ब्रिटिश इंडिया ने बनाई थी, ब्रिटिशर ने बनाई थी रेसिडेंसी, ठीक है। तीन थी ना, मुंबई मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे। ये तीन सेंटर्स थे जहां से सब कुछ गवर्न होता था। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, दो भारत चल रहे थे। अब लोगों को ये बात पता नहीं है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है और मैंने इस पे ज्यादा कभी डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि प्रिंसली स्टेट का भारत अलग था और ब्रिटिश इंडिया का भारत अलग था। दो भारत चल रहे थे। जो प्रिंसली स्टेट का भारत था उसमें ब्रिटिशर्स का कोई ज्यादा दखल नहीं था, वो खुद के उनके कानून थे, ठीक है। किसी दिन हम और इस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1916, भारत आजाद नहीं हुआ था ना उस समय, तो 1916 में सुबालक्ष्मी का जन्म हुआ था। और ये इनके जो पिताजी थे और इनकी माताजी थी, पिताजी का नाम सुब्रमण्य और माताजी का नाम शनमुखा विधवा अमन, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इनकी जो पूरी फैमिली थी वो म्यूजिक में ही थी। इनकी जो दादी जी थी वो भी एक बहुत बड़ी वायलिनिस्ट थी, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको बता दूं कि इनकी जो माता जी थी वो देवदासी ट्रेडिशन की थी। अब देवदासी का ट्रेडिशन आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, औरतों की कम्युनिटी, ता उम्र उनको मंदिर के लिए लगाना होता है, वो मंदिर के लिए ही लगाएंगी, मंदिर की सेवा करेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गड़बड़ झाला होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो बिल्कुल यहाँ पे बताने लायक नहीं है। देवदासी का जो ट्रेडिशन था दोस्तों, ये एक बहुत ही सोशल इविल में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक, औरतों की ऐसी कंडीशन हो जाती थी, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। और यहाँ पे जो पुजारी होते थे वो ऐसा ऐसा करते थे इनके साथ कि क्या पता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इनसे कोई शादी भी नहीं करता था, ठीक है। लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली थी एम एस सुबालक्ष्मी की, भले ही देवदासी ट्रेडिशन की हो। तो यहाँ पे दिक्कत आई थी। अब एम एस सुबालक्ष्मी बड़ी ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और शुरू से ही इनको गाने बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, काफी इन्होंने गाने गाए शुरू में, ठीक है। लेकिन 1927 में इनका बहुत बड़ा एक ब्रेक आया जब इन्होंने परफॉर्म किया रॉक फोर टेम्पल त्रिची में। और जब यहां पे इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी तब सब मान गए कि ये भैया बहुत बड़ी सिंगर होंगी। अब उस समय क्या होता था दोस्तों, जहां लड़की बड़ी हुई शादी कर दो, बड़ी क्या, जहां लड़की बड़ी होने लगी 10 साल की, 11 साल की, 13 साल की, शादी कर दो। अब इनकी माता जी जो देवदासी कम्युनिटी से थी उनको बड़ी टेंशन रहती थी। तो अब यहाँ पे एम एस सुबालक्ष्मी बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, आपने देखा ना इनका चेहरा कितना खूबसूरत था। अब यहाँ पे एक अच्छी सिंगर के साथ साथ ये अच्छी एक्टर भी थी, बाद में इन्होंने एक्ट्रेस भी थी, बाद में इन्होंने मूवीज में भी काम किया। लेकिन इनकी माता जी चाह रही थी ये सेटल हो जाए, इनकी शादी कर दे, ये सेटल हो जाए। तो यहाँ पे अब ढूंढैया चलने लगी, अच्छा लड़का ढूंढो, राजाओं से, उसके बाद लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े होते थे, उससे इनकी माता जी ने संपर्क किया, उन सबसे माता जी ने संपर्क किया कि भैया शादी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश की गई कि एम एस सुबालक्ष्मी की शादी करा दी जाए। लेकिन एम एस सुबालक्ष्मी का इतना बढ़िया करियर सामने था दोस्तों, बहुत बड़ा करियर था इनके सामने। अब मैं देखिए, आप खुद देखिए कि 1927 में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद इन्होंने 1929 में जब लाइव परफॉर्मेंस दी तो कमाल ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उस समय 13 साल की थी, तो 1929 की परफॉर्मेंस में इन्होंने ये इतना आगे बढ़ गई थी। लेकिन इसी बीच यहां पे ब्रेक लगा दो, शादी कर दो। आप खुद ही सोचिए कि इतना किसी का प्रोमिनेंट करियर है, ब्रेक लगा के शादी कर दो और शादी के बाद सब कुछ खत्म। तो यहां पे एम एस सुबालक्ष्मी ने सोचा कि बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और उसके बाद एम एस सुबालक्ष्मी ने क्या किया, वो वहां से भाग गई। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भाग गई और मद्रास चली गई 1936 में। एक दिन जब इनकी माता जी सो रही थी, इन्होंने अपना पूरा सामान बांधा और ये चली गई मद्रास। 1936 में जब ये मद्रास पहुंची तो इनको
सदाशिवम मिले जो इनके फ्यूचर हस्बैंड थे। उस समय सदाशिवम ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी दो बेटियां थी, जर्नलिस्ट थे उस समय सदाशिवम। तो इनके पास पहुंची और सदाशिवम ने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की। आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा दोनों में प्यार था, सदाशिवम और एमएस सुब्बालक्ष्मी में बहुत प्यार था, लेकिन बहुत ज्यादा पजेसिव थे सुब्बालक्ष्मी को लेके सदाशिवम, बहुत ज्यादा पजेसिव थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत प्यार था। 1997 में जब सदाशिवम की डेथ हुई थी तो एमएस सुब्बालक्ष्मी ने सारी पब्लिक परफॉर्मेंस बंद कर दी थी कि अब से मैं कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस दूंगी ही नहीं। तो यहां पे दोस्तों इनसे मिलती है, सदाशिवम से मिलती है। जब सुब्बालक्ष्मी के टैलेंट को सदाशिवम देखते हैं तब ये बिल्कुल वो निश्चय कर लेते हैं कि आगे आने वाले समय में मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊंगा। उस समय मूवीज की कास्टिंग चल रही होती है दोस्तों, ठीक है। तो एक मूवी की कास्टिंग, एक मूवी होती है दोस्तों सेवा सदनम। तो सेवा सदन जो है, हालांकि ये सेवा सदनम मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल पे बेस्ड थी, तो यहां पे इस मूवी की कास्टिंग चल रही होती है तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को ये रोल दिला देते हैं। तो इसमें ये एक्ट करती है और ये मूवी बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस होती है। लेकिन इनकी माताजी को पता चल जाता है ये मद्रास में है, तो इनकी माताजी, इनकी पूरी फैमिली इनके पास जाती है और ये कन्विंस करती है कि ये सब छोड़ दो। इनके भाई बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, ये आदमी तुमको एक्सप्लॉइट करेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल ये सब मत करो, वापस आ जाओ हमारे पास ये। लेकिन सुब्बालक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं, वो अपने निश्चय पे एकदम, जो उन्होंने डिसीजन लिया होता है उस पर एकदम अडिग होती है और बोलती है नहीं अब तो मुझे करियर बनाना है बस अपना। तो यहाँ पे इनकी शादी जो है वो टल जाती है और इनकी लव मैरिज जो होती है वो सदाशिवम से होती है। वैसे बता दूं कि एम एस सुब्बालक्ष्मी के सब बहुत बड़े फैन थे, जवाहरलाल नेहरू ने तो इनको क्वीन ऑफ म्यूजिक कह दिया था, ठीक है, बड़े गुलाम अली खान ने इनको गॉडेस ऑफ परफेक्ट नोट बोल दिया था, महात्मा गांधी भी इनके बहुत बड़े फैन थे, महात्मा गांधी ने भी बड़ी तारीफ की थी, लता मंगेशकर तो ये तो इंस्पिरेशन ही थी लता मंगेशकर की। तो ये सारी चीजें हुई थी दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने शादी में ब्रेक लगाया और उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो गोल्डन करियर है वो स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने काफी मूवीज में भी काम किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं राजाओं, इन्होंने बहुत सारी मूवीज में भी एक्ट किया। सेवा सदनम इनमें से एक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है जो 2 मई 1938 में रिलीज हुई। इसी मूवी के लिए इनको कास्ट किया गया और सेवा सदनम जो है वो बहुत ही बड़ी मूवी साबित हुई, ठीक है। 2 मई 1938 को ये मूवी रिलीज हुई, बहुत बड़ी मूवी थी दोस्तों। ये मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल पे बेस्ड थी और इसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी बहुत बड़े बड़े आदमियों से शादी कर दी जाती। काफी कमर्शियल सक्सेस रही ये मूवी और क्रिटिकली एक्लेम रही और एम एस सुब्बालक्ष्मी को के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सराहा गया। उसके बाद इन्होंने सावित्री में काम किया, नारद मुनि का रोल प्ले किया। उसके बाद राजस्थान की जो सेंट पोएटिस थी मीरा, ठीक है, भगवान कृष्ण की भक्ति में जो डूब गई थी, 1945 में मूवी आई थी उसमें इन्होंने काम किया। और उसके बाद पूरी दुनिया में भी इन्होंने ट्रैवल किया, ये लंदन गई, न्यूयॉर्क गई, कनाडा गई, हर जगह गई। आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने कंसर्ट किए, पूरी दुनिया में कंसर्ट किया। आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा इन्होंने कंसर्ट किए हैं, 200 से ज्यादा, और 1 करोड़ से ज्यादा इन्होंने पैसे जुटाए हैं। लेकिन ये पैसे खुद के लिए नहीं, चैरिटी के लिए, चैरिटी के लिए इन्होंने 200 से ज्यादा कंसर्ट किए और 1 करोड़ से ज्यादा पैसे जुटाए। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे कंसर्ट किए, तो आप देख सकते हैं इन्होंने न्यूयॉर्क में इन्होंने बहुत बड़ा कंसर्ट किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने में इन्होंने कंसर्ट किया। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में इनके नाम से एक स्टैंप भी निकाला था, ठीक है। उसके बाद लंदन में, लंदन के अल्बर्ट हॉल में इन्होंने कंसर्ट किया 1982 में, फिर मॉस्को में इन्होंने कंसर्ट किया। एक तरीके से कल्चरल एम्बेसडर थी, बाहर जहां पे भी कंसर्ट होते थे तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को ही भेजा जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इन्होंने, ये मैं बता चुका हूं आपको, इन्होंने मूवीज में भी काम किया और बेसिकली जो इनकी मूवीज थी, चलिए मैं बता ही देता हूं, इनकी जो प्रमुख मूवीज थी, सबसे पहले तो सेवा सदनम में इन्होंने काम किया, सावित्री में इन्होंने काम किया, मीरा में इन्होंने काम किया और भी मूवीज में इन्होंने काम किया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बार बार मेरा लैपटॉप अटक जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इनको कितने सारे अवार्ड्स मिले, पद्म भूषण मिला, संगीत नाटक एकेडमी मिला, संगीता कालानंदी मिला, रेमन मैक्सेसे पद्म भूषण और संगीत कला सिखमानी, उसके बाद कालिदास सम्मान, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन और भारत रत्न इनको 1998 में मिला, पहली म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला। और उसके बाद इनका जो देहांत है वो 11 दिसंबर 2004 को हुआ। तो बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत बड़ी कलाकार थी। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा।
इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।